नमस्कार दोस्तों, फार्मा टीचर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस बार जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आया हुआ है फार्मासिस्ट के लिए। टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 5 है। तो दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट है ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के GSO यानी कि जनरल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में है और ये सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों देखते हैं इस जॉब की डिटेल के बारे में और कैसे अप्लाई करना है। लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी नए वीडियोज आते हैं वो आपके तक पहुंचने बहुत ही जरूरी है इन टाइम। तो प्लीज बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट है इसकी जो लिंक है वो ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और अगर आप चाहे तो हमारी वेबसाइट से भी इसको विजिट कर सकते हैं। www.pharmatutor.org पर जाना है, वहां पे जॉब वाले सेक्शन में जाना है और बिट ऑफ स्क्रॉल डाउन एंड इस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप इस पेज पे आ जाएंगे। दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों जनरल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कलपकम, यहाँ पर फार्मासिस्ट बी पोस्ट निकली हुई है। 5 पोस्ट है और ये प्योरली टेम्पररी बेसिस पे है ये रिक्रूटमेंट। तो जो रिक्रूटमेंट में जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिए प्लस 3 months ट्रेनिंग इन फार्मेसी प्लस रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट विद सेंट्रल और स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी कि तमिलनाडु फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। इन सिंपल टर्म्स जो मंथली सैलरी है वो 44,000 रुपीज के आसपास है और प्लस HR है उसमें ऐड करके अलग से मिलेगा। और आपकी जो एज लिमिट है वो 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, जिस दिन इंटरव्यू होने वाला है उस दिन। जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगी वो GSO के अंतर्गत रहेगी। वो अपने हिसाब से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं परसेंटेज को, मार्क ऑप्टेन के जो भी आपके मार्क्स है, परसेंटेज ऑप्टेन है आपके एग्जाम में, उसके हिसाब से उसको सिलेक्ट किया जा सकता है मेरिट के बेसिस पर, ठीक है। और जब आप इंटरव्यू में जाएंगे उस दौरान आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मार्क्सिट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट्स है आपके पास वो सारे आपको ओरिजिनल भी ले जाने हैं और फोटोकॉपी भी ले जानी है, दोनों ले जाने हैं, ओके? जो एप्लीकेशन फॉर्म है ठीक है वो डाउनलोड करना है और इस एड्रेस पे उसको भेजना है। और यहाँ पर ये पूरी डिटेल दी हुई है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, मतलब उसमें क्या एडिट करना है, कैसे करना है, उसकी सारी डिटेल दी है। और उसके बाद आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके साथ साथ आपको फोटो और सिग्नेचर ये चीज भी अपलोड करनी है, ठीक है। और ये प्रोसेस करने के बाद आपको जो ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा इसको ऑनलाइन सबमिट करना है, ओके? तो ये बेसिक जो रिक्रूटमेंट की आइडिया है। डेट ऑफ इंटरव्यू है टेंटेटिव 19 तारीख को है, 19 अक्टूबर को रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे है, तो आपको ऐसा मान के चलिए कि सुबह एटलीस्ट 1 घंटे पहले यानी कि 8 बजे तक कल्पकम में पहुंचना है, ठीक है। यहाँ पर ये वेन्यू जो दिया हुआ है जनरल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन NX बिल्डिंग कल्पकम, यहाँ पर आपको पहुंचना है। और जो लास्ट डेट है ईमेल के थ्रू सेंड करने की वो है 29 सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मोर इन्फो अटैच की हुई है, जो पढ़ के आप जो भी डिटेल्स है वो एक बार देखिए और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारे डिटेल में समझ में आ गई होगी इस रिक्रूटमेंट की, कैसे अप्लाई करना है। और अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको आंसर करेंगे। प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और प्लीज सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स इन फार्मेसी सब्सक्राइब टू फार्मा ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकॉन एंड डोंट मिस आवर वीडियोस।